राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करने और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज द्वारा ये कहना कि पॉलिटिक्स पर उनके लिए बोलना जरूरी नहीं या फिर ये उनके इंटरेस्ट का विषय नहीं है, इस पर कंगना रनौत भड़क गई। कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट को इसके लिए आड़े हाथों लिया। कंगना ने कहा कि ऐसे बयान देश के लिए एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। यस, कंगना रनौत mocked Ranveer Kapoor for not participating in political conversations and not taking a stance for the nation. लेकिन इस बाबत आलिया भट्ट का जवाब आया है। मीडिया ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो आलिया भट्ट ने कहा कि उनके पास निश्चित रूप से कंगना जैसी खुलकर बात करने की क्षमता नहीं है और इसके लिए वो कंगना रनौत का सम्मान भी करती हैं। और हो सकता है कि एक तरीके से कंगना सही भी हो, लेकिन कई बार हम चुप भी रहते हैं। आलिया भट्ट ने कहा कि उनके विचार हैं, लेकिन वो इसे अपने तक ही रखना चाहती हैं। आलिया ने कहा कि उनके पापा कहते हैं कि संसार में इतने सारे विचार हैं, एक राय कम भी हो तो काम चल जाएगा। आलिया भट्ट ने कहा कि उनके पापा कहते हैं कि दुनिया में हर कोई हर बात पर अपने विचार रखता है, तुम अगर नहीं रखोगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आलिया भट्ट ने कहा कि कंगना रनौत वाकई में अपनी बात काफी अच्छे से रखती है और ये काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि रणवीर कपूर कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। कंगना ने कहा कि रणवीर कपूर कहते हैं कि उनके घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स पर बात करूं। कंगना रनौत ने आगे कहा कि इस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जिसकी वजह से आप मर्सिडीज में बैठते हैं, फिर आप ऐसे गैर जिम्मेदार की तरह कैसे बोल सकते हैं। इस मसले पर एक्टर जॉन अब्राहम ने भी कंगना रनौत को सपोर्ट किया था और कहा कि अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हैं तो अपनी राय जरूर रखनी चाहिए, आप इतने भी मूर्ख नहीं हो सकते कि आपको कुछ पता ही ना हो। अगर आपको नहीं पता कि बिहार से लेकर सीरिया तक क्या हो रहा है तो आपको चुप ही रहना चाहिए। खैर, इस मसले पर आपकी क्या है राय बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।